एक चिकने नत तल पर एक पिंड रखा हुआ है और इस चिकने नत तल के शीर्ष के ऊपर एक घिरनी लगी हुई है जो पूर्ण रूप से चिकनी है और इस घिरनी से एक डोरी गुजरती है जो इस पिंड से बंधी हुई है और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकते हुए पिंड से जुड़ी हुई है। जो ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड लटक रहा है इसका द्रव्यमान M1 है और जो तिरछे तल पर पिंड रखा हुआ है उसका द्रव्यमान M2 है। इस पिंड का क्षैतिज के साथ में झुकाव कोण अल्फा है। शुरुआत में हम ये मान के चल रहे हैं कि तिरछा तल पूर्ण रूप से चिकना है, घिरनी पूर्ण रूप से चिकनी है, मतलब ये माना हुआ है कि यहां पे घर्षण बल है वो शून्य है, अनस्ट्रेचेबल डोरी है मतलब अवितानीय डोरी है। अब हम कहेंगे कि इस M1 भार के ऊपर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा। एक तो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल जिसे वस्तु का भार कहते हैं और ये होगा M1 into G। एक इस डोरी का तनाव बल जो ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि M1 का द्रव्यमान जो है वो M2 से ज्यादा है अर्थात M1 ज्यादा भारी होगा तो संभावित गति इस सिस्टम की किधर की दिशा में होगी, नीचे की, क्योंकि M1 जो है वो ज्यादा भारी है। तो ये F त्वरण उत्पन्न करने वाला बल इस पिंड के लिए वो प्रभावी बल क्या होगा, तो वो प्रभावी P बल ये हो जाएगा M1 G माइनस T। नीचे की दिशा में प्रभावी बल आ जाएगा M1 G माइनस T और बराबर ये P बल आ गया। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार P बराबर MF, तो ये जो P बल है ये बराबर होना चाहिए M1 into F। ये पहला मुख्य समीकरण हमें प्राप्त हो गया। दूसरा अब हमें बात करनी है कि जो द्वितीय पिंड है, द्वितीय पिंड में क्या हो रहा है कि मुख्य तो एक बल है जो पृथ्वी का आकर्षण बल है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लग रहा है, इस पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार अर्थात ये M2G है। इस तल की एक अभिलंब प्रतिक्रिया होगी क्योंकि ये तल पूर्ण रूप से चिकना तल है, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया होगी और एक इसके ऊपर कार्य कर रहा है डोरी का तनाव बल, मुख्य रूप से ये बल इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि हम इन बलों का तो हमने लिख दिया है, अब इसकी संभावित गति कौन सी दिशा में है, तो इसकी संभावित गति ऊपर की दिशा में है, नंबर एक बात तो ये। इस दिशा के अंदर प्रभावी बल मुझे ज्ञात करना है तो एक तल के समानांतर सारे बलों का बीजीय जोड़ करना पड़ेगा और एक तल के अभिलंब सारे बलों का बीजीय जोड़ कर लेते हैं। इससे लिए आवश्यक है कि हम M2G के दो घटक ज्ञात कर लें, एक तल के समानांतर घटक ज्ञात कर लिया जाए और एक तल के अभिलंब, ये वाला घटक है M2G का और एक इधर वाला घटक है M2G का, ये दोनों घटक को निकालना पड़ेगा। ये कोण जो है ज्योमेट्री से हम सीधा बता सकते हैं कि ये कोण किसके बराबर है, ये अल्फा के बराबर है, क्योंकि ये कोण अल्फा है तो ये कोण 90 हो गया, तो रिमेनिंग ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, टोटल कोण 90 का, इसलिए ये कोण अल्फा है। जिधर कोण होता है उधर का घटक क्या हो जाएगा M2G cos अल्फा और इधर का घटक हो जाएगा M2G sin अल्फा। मेरा यह कहना है कि इस दिशा के अंदर कोई गति नहीं संभव है, तल के अभिलंब कोई गति संभव है नहीं, तो R माइनस M2G cos अल्फा बराबर जीरो अर्थात R बराबर M2G cos अल्फा और R M2G cos अल्फा को संतुलित कर देता है, इसके इसके प्रभाव को यह बैलेंस कर देता है। दूसरा है कि तल के समानांतर दिशा में बलों का प्रभाव क्या है, तो ऊपर की दिशा में गति हो रही है तो प्रभावी बल ऊपर की दिशा में कितना हो जाएगा, तो ऊपर की दिशा में लगने वाला प्रभावी बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा T, मेन तो बल ऊपर T लग रहा है और उसके विपरीत दिशा में जो है भार का घटक कार्य कर रहा है वो है M2G sin अल्फा बराबर M2F। ये दूसरा मेरे लिए मुख्य समीकरण प्राप्त हो गया।
मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो घर्षण रहित है। अब मेरा कहना है कि अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, कॉमन एक्सेलरेशन, तो वो कैसे ज्ञात किया जाएगा? इन दो समीकरणों को अपन जोड़ लेंगे और आप देखेंगे जब जोड़ेंगे तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा और एम वन जी और ये दोनों जुड़ेंगे। तो यहां पे लिख दूंगा मैं एम वन जी माइनस एम टू जी साइन अल्फा, इसको जोड़ा जा रहा है यहां पे, और इसको और इसको जोड़ेंगे, एफ कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम वन प्लस एम टू, मैंने एफ कॉमन ले लिया है, अर्थात कॉमन एक्सेलरेशन बराबर मेरे लिए क्या आ जाएगा, इसमें से अपन चाहे तो जी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम वन माइनस एम टू साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ये इन दोनों पिंड का कॉमन एक्सेलरेशन हमें प्राप्त हो गया। अब इस दूरी का तनाव बल अगर मुझे ज्ञात करना है तो इस एफ का मान इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण में रख करके और हम दूरी का तनाव बल ज्ञात कर सकते हैं। एक 16 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक चिकना नत समतल पर रखा है जिसकी ऊंचाई उसकी लंबाई से आधी है। इससे 12 किलो का एक द्रव्यमान एक दूसरा पिंड सीधा लटकता हुआ एक अवितन्य डोरी द्वारा जुड़ा है। डोरी समतल की चोटी पर स्थित चिकनी घिरनी पर से गुजरती है। 5 सेकंड में प्रत्येक द्वारा चली हुई दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अंदर एक तिरछा तल दिया हुआ है और ये तिरछे तल की जो लंबाई है वो इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई जो है वो लंबाई की आधी है। ये ऊंचाई हो गई, ये तो इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई जो है वो लंबाई की आधी है, मतलब L by 2 लिखूंगा। तो इसका जो नत कोण है, इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है, उसका मान क्या होगा? तो अपन लिखेंगे साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब यहां पर L by 2 है और भाग में वापस से कर्ण 1 by L, इसको और इसको हटा देंगे तो साइन अल्फा का मान आ गया 1/2। तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे और इसका मान आता है 30 डिग्री। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो तिरछा तल दिया गया है जो पूर्ण रूप से चिकना है और इसका नत कोण है वो 30 डिग्री है। अब इसके ऊपर एक द्रव्यमान रखा हुआ है और यह द्रव्यमान कितना है, 16 किलोग्राम। और यहां पर शीर्ष के ऊपर एक क्या है, चिकनी घिरनी लगी हुई है, पूर्ण रूप से चिकनी घिरनी है और यह एक डोरी के द्वारा बंधा हुआ है। इधर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकता हुआ एक पिंड और है इस पिंड का द्रव्यमान 12 किलोग्राम, ये हमें यहां पर दिया हुआ है। और हम ये मानते हैं कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो इधर जो कॉमन एक्सेलरेशन है ये ऊपर की तरफ हो रहा है, हमने ये दिशा मानी है। अगर ये मानी हुई दिशा से विपरीत होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। एफ का मान जो है अगर ऋणात्मक आता है तो जो हमने इसकी एफ की दिशा नीचे मानी है वो नीचे नहीं होकर के ऊपर हो जाएगी। अब हम इस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करें तो नीचे की तरफ इसका भार कार्य करेगा। भार बराबर होता है एम इंटू जी, यानी एम तो यहां पे है 12 मल्टीप्लाइड बाई जी। इसी ढंग से इसका भार जो है वो क्या है, एम इंटू जी, तो यहां पे 16 इंटू जी, ये इनका भार कार्य कर रहा है। डोरी का तनाव बल वो ऊपर कार्य करेगा, डोरी का तनाव बल ये। इसकी यहां पर एक तो अभिलंब प्रतिक्रिया हो जाएगी, एक इस भार के दो घटक करने पड़ेंगे,
16 जी का ये कोण है 30 डिग्री का, मतलब यहां पर घटक एक और एक दूसरा घटक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 जी sin 30 और ये घटक कहलाएगा 16 जी cos 30। इस प्रकार इन वस्तुओं पर लगने वाले सभी बलों को हमने दिखा दिया है। अब पहले इस 12 केजी पिंड का अपन अध्ययन करते हैं। प्रभावी बल नीचे की तरफ 12g-t, ये P बल हो गया, बराबर M इंटू F, यानी कि 12 इंटू P बराबर MF सूत्र का उपयोग हुआ है। ये मुख्य समीकरण एक नंबर प्राप्त हुआ मेरा। दूसरा मुख्य समीकरण में कैसे प्राप्त करूंगा, यहां पर F की दिशा में तनाव बल ऊपर लग रहा है, तो तनाव बल ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मानू, तो नीचे की दिशा है वो हो जाएगा 16g sin 30। तल के समानांतर आपन देखेंगे तो केवल दो बल आएंगे, T-16g sin 30, और इस दिशा के अंदर जो इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल यहां पे लिखेंगे, द्रव्यमान 16 है, त्वरण F है, ये दूसरा मुख्य समीकरण प्राप्त हो गया। जहां तक R और 16g cos 30 का सवाल है, ये एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, अतः R का मान 16g cos 30 के बराबर है और एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो प्रभावी रूप से जो प्रभावी बल गति दे रहा है वो इसके लिए है T-16g sin 30, ये वो प्रभावी बल है जो ऊपर की दिशा में F त्वरण उत्पन्न कर रहा है, तो P बराबर MF, तो P हो गया T-16g sin 30 बराबर 16 m और इंटू F, मतलब ये 16 क्या है, इसका द्रव्यमान। अब इन दो समीकरण को जोड़ेंगे और जिसे हमें F का मान निकला लेंगे, तो 12 इंटू g, ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि 16g की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 8g, बराबर इन दोनों को जोड़ लो, तो यहां पर F का मान आ जाएगा 12 में से 8 माइनस कर लीजिए, 4 × 9.8, और नीचे भाग में कितना आ जाएगा 28, और ये हो जाएगा m/s² ये त्वरण प्राप्त कर लिया। अब ये क्या कह रहा है कि डोरी समतल की चोटी पर 5 सेकंड में प्रत्येक द्वारा चली हुई दूरी ज्ञात कीजिए। जब सिस्टम चालू होता है तो उस वक्त प्रारंभिक वेग तो 0 है, त्वरण हमारे पास में है, हमें क्या मालूम करना है, s ज्ञात करना है, कितनी दूरी चलता है, तो s बराबर जो समीकरण होता है वो है ut + 1/2 f(t², u का मान 0 है, प्लस 1/2 f का मान है 4 × 9.8/28, और समय अपने को दिया हुआ है 5 सेकंड, तो 5 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इसको अपन लेकर के और हल कर लेते हैं, और हल करने से ये मान आ जाता है 17.5 मीटर। इस प्रकार 5 सेकंड में तय की गई दूरी 17.5 मीटर होगी। 12 केजी का एक पिंड एक चिकना नत समतल पर रखा है जिसकी ऊंचाई उसकी लंबाई से आधी है, इसमें 8 किलोग्राम का दूसरा पिंड सीधा लटकता हुआ एक अवितान्य डोरी द्वारा जुड़ा है जो कि समतल की चोटी पर स्थित चिकनी घिरनी पर से गुजरती है। 5 सेकंड में प्रत्येक पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें तिरछे तल को बना लेना है। इस तिरछे तल के अंदर, इस तिरछे तल की जो लंबाई है
और इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी लंबाई की आधी है, अर्थात इस तिरछे तल का जो कोण है वो हम निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा साइन अल्फा बराबर लंब बटा आधार, नहीं लंब बटा कर्ण। तो यहां पर लंब जो है वो है एल बाई टू और कर्ण जो है वो है एल, तो लंब बटा कर्ण करके और साइन अल्फा का मान आ जाएगा एक बटा दो। सो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन बाई टू इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब 12 केजी का पिंड जो है वो इस चिकने नत समतल पे रखा हुआ है और एक अनस्ट्रेचेबल डोरी के द्वारा जो शीर्ष पर लगी हुई एक चिकनी घिरनी पर से गुजरती है और एक ऊर्ध्वाधर लटकता हुआ 8 किलोग्राम का पिंड है उससे जुड़ी हुई है। इस ढंग से ही हमें सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसका कॉमन एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेंगे और कॉमन एक्सेलरेशन ज्ञात करने के बाद में 5 सेकंड में प्रत्येक पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कॉमन एक्सेलरेशन अगर ज्ञात हो गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो गति का नियम लगा करके और अपन 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर 8 केजी बल के ऊपर भार इसका नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है और 8 मल्टीप्लाइड बाई जी जो है वो गुरुत्व जनित त्वरण को जी कह रहे हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डोरी का तनाव बल ऊपर कार्य कर रहा है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि त्वरण की दिशा नीचे की तरफ है। अगर त्वरण का मान निगेटिव आता है तो ये जो हमने दिशा मानी है इससे ठीक विपरीत दिशा में त्वरण हो रहा है। अब हम इसके समीकरण लिखेंगे तो 8g-t, नीचे की दिशा में लगने वाला बल क्या हो गया 8g-t। ये वो बल है जो F त्वरण उत्पन्न कर रहा है इस 8 किलोग्राम के द्रव्यमान में, मतलब P बराबर mf होता है समीकरण। तो यहां पर द्रव्यमान जो है वो है 8m और इंटू F। ये पहला मुख्य समीकरण मेरे को प्राप्त हो गया, इसको की इक्वेशन बोलते हैं अपन। दूसरा मेरे को प्राप्त करना है वो है इस 12 केजी भार के लिए जो तिरछे तल पे रखा है, पृथ्वी का आकर्षण बल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और ये 12 और इंटू जी हो जाएगा। डोरी का तनाव बल ऊपर की तरफ है, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया है वो ऊपर की तरफ है ऐसे तल से अभिलंब दिशा में, और इस 12 केजी भार के दो टुकड़े करेंगे, घटक भार के दो घटक ज्ञात किए जाएंगे। तो चूंकि ये कोण 30 है तो ज्योमेट्री से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि ये कोण 30 डिग्री का होगा और इस हिसाब से यहां का जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा 12g cos 30 और ये वाला घटक हो जाएगा 12g sin 30। अब ऊपर की दिशा में त्वरण माना है अपन ने, हम ऊपर की दिशा में प्रभावी बल जो है वो लिखेंगे T-12g sin 30 बराबर m 12 into f। ये दूसरा मुख्य समीकरण मेरे को प्राप्त हो गया। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ता हूं तो मैं देखता हूं कि माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8g-12g और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 8 + 12, एफ कॉमन ले लिया हमने। सो एफ का मान कितना हो जाएगा मेरे लिए, तो 8g माइनस इसको अपन इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो 8g-6g तो ये हो जाएगा 2g, जी का मान है 9.8 और नीचे भाग में कितना आ जाएगा 12 और 8 20, तो 20। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मैंने कॉमन एक्सेलरेशन का मान ज्ञात कर लिया। अब
प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि 5 सेकंड में प्रत्येक पिन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अर्थात प्रारंभिक वेग 0 है और सूत्र हम काम में लेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। अब इसके अंदर प्रारंभिक वेग 0 है तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2। f का मान क्या है? 2 गुणा 9.8/20 और t का मान दिया हुआ है 5 सेकंड। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 25। इसको अगर अपन हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? दूरी प्राप्त हो जाएगी और इसका मान है 12.25 मीटर्स। समान द्रव्यमान की 16 गेंदें एक डोरी द्वारा मणियों की तरह पिरोई गई है। उनमें से कुछ तो साइन इनवर्स 1/3 झुकाव वाले एक चिकना नत समतल पर रखी हुई हैं तथा शेष समतल की चोटी पर लटक रही हैं। गेंदों को किस प्रकार रखा जाए ताकि प्रथम बार में त्वरण g/2 हो? इस प्रकार के सवाल में पहले हम चित्र बना के इसको समझना चाहेंगे। तो ये एक तिरछा तल है, इसके ऊपर मणिये जो हैं मतलब माला की तरह है, ये माला की तरह है शीर्ष तक पहुंचने के बाद में, फिर ये माला के कुछ मणिये जो हैं वर्टिकल में लटक रहे हैं। मेरा कहना है कि ये टोटल 16 मणियां हैं, तो माना कि n मणियां ऊर्ध्वाधर लटक रही है। तथा एक मणि का द्रव्यमान m किलोग्राम है, तो ऊर्ध्वाधर लटकने वाला द्रव्यमान बराबर n इंटू m, nm किलोग्राम का भार की मणियां ऐसे ऊर्ध्वाधर लटक रही है, शेष मणियां रह गई तिरछे तल पर। तो शेष मणियां क्या लिखूंगा मैं? 16 में से n को क्योंकि n ऊर्ध्वाधर लटक रही हैं, तो 16 माइनस n है वो तिरछे तल के ऊपर, टोटल 16 है। तो हमारा कहना है कि 16 माइनस n जो है वो तिरछे तल के ऊपर है, तो इसका द्रव्यमान अगर करेंगे तो एक मणि का द्रव्यमान m है, उससे हम गुणा कर देंगे, तो 16 माइनस n गुणा m द्रव्यमान जो है वो तिरछे तल पर उपलब्ध है। जब ये शुरुआत कर रहे हैं कि ये एकदम स्थिर रखा हुआ है पकड़ करके, उस स्थिति में 16 माइनस n इंटू m द्रव्यमान जो है वो तिरछे तल पर है और n इंटू m द्रव्यमान है वो ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है और ये तिरछा तल है जिसका कि नत कोण है अल्फा, जिसका मान है साइन इनवर्स 1/3। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि अल्फा का मान जो है वो है साइन इनवर्स 1/3, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब मैं इस चित्र का इक्विवेलेंट, ऊपर वाले चित्र का इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा? इक्विवेलेंट में मैं ये कोण अल्फा हो जाएगा और ये इसके ऊपर यहां पे द्रव्यमान दिखा दिया और यहां पर एक मैंने चिकनी घिरनी दिखा दी
और इधर ऊर्ध्वाधर लटकने वाला द्रव्यमान दिखा दिया, मतलब ये इसके और ये इक्वल इसका चित्र बना रहा हूं, इसके समानांतर, इसके सेम टू सेम बना रहा हूं। तो ऊर्ध्वाधर लटकने वाला द्रव्यमान है वो एन इंटू एम है, और तल पे रखा गया द्रव्यमान है वो 16 माइनस एन और गुणा एम। ये तो है तिरछे तल पे रखा गया द्रव्यमान, ये जो है ऊर्ध्वाधर है। तो ये और ये जो चित्र है ये सेम चित्र है। ये मैंने अपने सुविधा से और समझाने के हिसाब से अलग अलग चित्रों को इस रूप में, मतलब केवल इसका रूप परिवर्तन किया है, पर मूल में वही चीज है जो ये है। अब मेरा कहना है कि इसका वर्टिकली डाउनवर्ड दिशा में जो त्वरण उत्पन्न करने वाला बल है वो इसका भार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एन एम इंटू जी, और डोरी का तनाव बल है वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा वो टी। मैं मान के चल रहा हूं कि त्वरण जो है वो नीचे की दिशा में हो रहा है, और प्रथम बार में जो त्वरण हो रहा है उसका मान मेरे को दे रखा है इन्होंने जी बाई टू। इसी ढंग से इसके अंदर ऊपर की दिशा में जो त्वरण हो रहा है वो भी सेम टू सेम एफ बराबर जी बाई टू, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब मेरा कहना है इसका भार है वो वर्टिकली नीचे की तरफ कार्य करेगा, और इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और इस भार, भार कितना लिखूं मैं इसको, तो इसको लिखूंगा 16 माइनस एन गुणा एम मल्टीप्लाइड बाई जी, और इधर की तरफ वाला घटक आ जाएगा, ये तो भार लिख दिया मैंने। अब इसका घटक ज्ञात करना है मेरे को, तो इसका घटक दो दिशाओं में हो जाएगा, एक तल के समानांतर और एक तल के अभिलंब। और ये अगर कोण अल्फा है तो ज्योमेट्री से सिद्ध कर सकते हैं कि ये कोण अल्फा होगा, तो जिधर अल्फा कोण होता है उधर का घटक जो हो जाएगा वो कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर इसका भार को मैं डब्ल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, और ये वाला घटक डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा। और एक डोरी का तनाव बल है वो ऊपर की दिशा में कार्य करेगा, तो ये डोरी का तनाव बल हो जाएगा। अभिलंब प्रतिक्रिया डब्ल्यू कॉस अल्फा को संतुलित कर लेगी, मतलब इसका जो प्रभाव है वो इससे समाप्त हो जाएगा। अभिलंब प्रतिक्रिया के द्वारा डब्ल्यू कॉस अल्फा का प्रभाव समाप्त कर दिया गया। अब अपने को त्वरण कौन सी दिशा में हो रहा है, तल के समानांतर दिशा में हो रहा है, तो तल के समानांतर में प्रभावी बल है वो ज्ञात करेंगे, तो वो हो जाएगा टी माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लटकने वाले पिंड की गति का अध्ययन कर लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर लटकने वाले पिंड के ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला प्रभावी बल नीचे की दिशा में है वो है एन एम जी, एन और एम और जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, माइनस डोरी का तनाव बल, और इसका बराबर एम इंटू एफ, तो एम क्या हो जाएगा एन एम इंटू एफ। अब एफ का मान मेरे को दे रखा है इन्होंने जी बाई टू, ये हो जाएगा एन एम जी बाई टू। इसी ढंग से तिरछे तल के ऊपर तल के समानांतर दिशा में लगने वाला बल है टी माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा, डब्ल्यू का मान है 16 माइनस एन एम जी साइन ऑफ अल्फा बराबर द्रव्यमान कितना है तिरछे तल पे 16 माइनस एन गुणा एम मल्टीप्लाइड बाई कॉमन एक्सेलरेशन यानी कि एफ, और एफ का मान जो है वो जी बाई टू है, तो वो इसमें जी बाई टू रख देंगे। अब मेरा कहना है कि इस समीकरण के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये तो टी की जगह टी रखेंगे माइनस 16 माइनस एन और एम जी, ये एम जी लिख दिया मैंने, साइन अल्फा का मान है 1/3, साइन इनवर्स अल्फा बराबर है, ये क्या दिया हुआ अल्फा बराबर साइन इनवर्स, इसका मतलब साइन अल्फा का मान क्या है हमारे लिए 1/3 है, तो ये साइन अल्फा का मान यहां रख देंगे, इसका मान आ जाएगा 1/3, और बराबर अपन इसको लिखेंगे 16 माइनस एन इंटू एम, और एफ का मान रखूंगा मैं जी बाई टू। अब ये ब्रैकेट को मैं खोल लेता हूं, तो ये हमारे समीकरण क्या बन जाएगा, टी माइनस 16/3 और मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू जी,
माइनस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एन एम जी बटा तीन बराबर 16 एम जी बटा दो माइनस एन एम जी बटा, ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब हमारा कहना है कि ये दूसरा मुख्य समीकरण है और वो पहला मुख्य समीकरण है। इन दो समीकरण, समीकरण संख्या एक, मतलब ये सबसे पहला जो लिखा है इसको मैं लिखूंगा समीकरण संख्या एक, और इसको मैं लिख देता हूं समीकरण संख्या दो। ये दो मुख्य समीकरण आ गए। अब इस अगर इन दो समीकरणों को मैं जोड़ता हूं तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे और कॉमन एक्सेलरेशन का मान अपने जी बाई टू दिया हुआ है वो मान रख दिया जाएगा, तो उससे अपन एन का मान निकाल सकते हैं जो कि अज्ञात है कि कितनी मणियां ऊर्ध्वाधर लटक रही हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दो समीकरणों को जोड़ना है, एन एम जी माइनस टी और प्लस टी, तो ये कैंसिल हो गया, हटा देते हैं उसको, और माइनस 16 बटा 3 एम जी प्लस एन एम जी बटा 3 बराबर। अब आप बताइए, ऊपर वाले समीकरण में है एन एम जी बटा दो, तो ये आप लिख देंगे एन एम जी बटा दो, और फिर ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 16 बटा दो, 16 एम जी बटा दो माइनस एन एम जी बटा। इस प्रकार हमने समीकरण एक और दो को जोड़ दिया। मेरा कहना है कि पहली वाली टर्म में भी अपन गौर से देखें तो mg टर्म है, दूसरे वाले में भी mg टर्म है, तीसरे में भी mg है, इसमें भी mg है, इसमें भी mg है, तो सभी के अंदर mg है, तो mg को अपन समीकरण में से कॉमन लेकर के और हटाया सकते हैं। ऐसा गणित का नियम है कि अगर समीकरण में mg टर्म सभी मद में है तो अपन उसको कॉमन लेके हटा देंगे, तो mg की टर्म अपने यहां से हट गई है। और अगर पूरे समीकरण में लसप लघुतम लसप लोअर कॉमन फैक्टर, तो वो अगर लेवें तो वो क्या होगा, इधर तीन है और इधर दो है, तो अपन ले लेते हैं छह, तो उसके हिसाब से इसको अपन कितना लिखेंगे, एन बाई वन के हिसाब से ये हो जाएगा सिक्स एन माइनस तीन का भाग इसमें देंगे दो बार, तो यानी सोलह दुना बत्तीस प्लस तीन का भाग इसमें दो बार जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एन बराबर, दो का भाग इसमें तीन बार जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा 3n, इसका दो का भाग तीन बार यानी कि हो जाएगा प्लस 16 इंटू तीन और माइनस, और ये n बाई टू है तो ये कितना हो जाएगा 3n। हम देखेंगे कि प्लस 3n और माइनस 3n तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इससे ये जो समीकरण प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, तो अपन जोड़ लेते हैं छह और दो, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 32 को अपन पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना होता है 48, और माइनस 32 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा प्लस के 32 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 8n बराबर 80 है, तो n बराबर मैं क्या लिखूंगा 80 बटा n, यानी जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो मणियां लटक रही है वो हो गई 10 मणियां, 10 मणियां जो हैं वो ऊर्ध्वाधर लटक रही हैं, जब प्रथम बार में त्वरण का मान g बाई टू हो, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन का मान मैंने g बाई टू रख करके और n की संख्या मैंने ज्ञात कर ली, तो ऊर्ध्वाधर में लटकती हुई मणियों की संख्या 10 होगी।